Thank you, Mr. Setty. Very, very good to see you all again. They say Pakistan stays in your blood. It definitely stays in your blood. And I always knew there was a time that I was very emotionally attached to this cricket team. Very emotional. नाजरीन, आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और पाकिस्तानी जबरदस्त प्लेयर शोएब मलिक को एक बार फिर पाकिस्तानी टीम में खिलाने के चांस रोशन। पाकिस्तानी बैटिंग कोच मिकी आतर शोएब मलिक और मोहम्मद आमिर के आग में बोल पड़े। उनका कहना था कि वर्ल्ड कप में इन दोनों को जरूर होना चाहिए, इससे टीम बेहतर होगी और अच्छा परफॉर्म करेगी। और देखिए, अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं ये फिर बात कर रहा हूँ, मौका दिया तो मैं जरूर किया। हमें भाई सारे लोग पूरा पाकिस्तान देखे थे आपकी जब बॉलिंग देखते थे इंडिया के खिलाफ खासकर, तो अभी भी उनकी डिमांड है कि उनको ग्रीन जर्सी में देखना चाहते हैं। तो अपने फैंस को क्या कहेंगे कि वो इंतजार करेंगे पाकिस्तान की दोबारा से आप ग्रीन जर्सी पहनेंगे? सबसे ज्यादा उनकी डिमांड है। ये कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, आधे घूम फिर के आपकी चौक पे हो। देखिए, मैंने आपको पहले बोला है कि बिल्कुल मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एक तरफ लोग चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि खेलना चाहिए, लेकिन एक तरफ ऐसे हैं जो कहते हैं खेलना चाहिए। ये फोन है जी सारा पास, आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं। देखें क्या स्टार्स वाले ये जो भी हैं, अल्लाह जो करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बताते चले कि मोहम्मद आमिर की फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तानी बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच मिकी आतर मोहम्मद आमिर और शोएब मलिक के आँख में बोल पड़े। दोस्तों, आपको बताते चले कि मिकी आतर का कहना था कि वर्ल्ड कप और एशिया कप में मोहम्मद आमिर और शोएब मलिक होना चाहिए, इससे टीम बहुत बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, आपको बताते चले कि मोहम्मद आमिर और शोएब मलिक को खिलाने पर गौर। दोस्तों, आपको बताते चले कि मिकी आतर का कहना था कि शोएब मलिक और मोहम्मद आमिर एक अच्छे प्लेयर हैं, अगर पाकिस्तान टीम में वापस खेलते हैं तो पाकिस्तानी टीम एक अच्छी टीम बन जाएगी। मिकी आतर का कहना था कि पाकिस्तानी टीम एक अच्छी टीम बन जाएगी।